आश्री टीवी देखने वाले हर एक दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार और धन्यवाद आज हमारे बीच में पास्टर माइकल फर्नांडिस हमारे बीच में प्रभु के दास आ, बहुत खुशी है आज अपना बीच प्रभु के दास हमारे बीच है इसके Thank लिए you. प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जाने माने दास है प्रभु ने अपना इंडिया में हर जगह बहुत जगह पे प्रभु ने प्रत्या तरह से प्रभु ने यूज कर रहा अपना यूज कर रहे पास्ट को हमारा बीच है इसके लिए मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ पास्टर

और जो लोग देख रहे हैं तो हमारी शुरुआत जो है कोई बड़ी शुरुआत नहीं है प्रभु कहता है प्रभु के वचन में कहता है कि छोटी चीजों को तुच्छ नहीं जानना छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानना तो वैसे ही हमारा हमारी शुरुआत हुई मेरे परिवार के लोग जो है मैंगलोर से पैदाइशी है मेरे डैडी मम्मी मैंगलोर के हैं और हम लोगों का जो परिवार था एक गरीब परिवार था हमारे पास ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसके बारे में हम डिंग मारें और जब मैं पैदा हुआ था तो मैं थोड़ा जल्दी पैदा हुआ था इसलिए डॉक्टरों ने कहा कि इनका बचने के कोई उम्मीद नहीं है मेरा सर सूजा हुआ था तो उस अवस्था में मेरी माँ जो थी मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है वो अनपढ़ है और उन्होंने प्रार्थना की उन्होंने मुझे ऐसा उठाया उस हॉस्पिटल में ऐसा उठाया नंगा थे उठाया और बोला कि अगर तू इसके बचाएगा तो मैं इस बेटे को मैं तुझे देती हूँ और ये तेरी सेवकाई करेगा और मेरी माँ ने मुझसे कहा बाद में कि अचानक ऐसा हुआ कि मेरी कंडीशन मेरी हालत जो थी इम्प्रूव होने लगी और थोड़े ही दिनों में मैं घर पे आया आमें, आमें। और इस तरीके से मेरा जन्म हुआ उनको नहीं मालूम वो क्या कह रही है जैसे पत्रस ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु हम तुम्हारे लिए तंबू बांधेंगे तो बेचारी अनपढ़ माँ हैं उन्होंने मुझे समर्पित किया तो ऐसा मेरा जन्म हुआ तुम लोग मैंगलोर में थे आपका पढ़ाई सब मैंगलोर में हुआ क्या या तो मेरी हम लोग मैंगलोर में नहीं थे लेकिन हम लोग अक्सर मैंगलोर में हमारी जो छुट्टियां रहती थी तो हम लोग उन छुट्टियों में मुंबई में रहता था और छुट्टियों में हम लोग मैंगलोर में आते थे और मैंगलोर में भी हम कारकला निट्टे से हैं हम हमारा परिवार हाँ जी यू नो तो मुझे मैंगलोर से बहुत प्रेम है और मैंगलोर के लोगों से प्रभु येशी और ज़्यादा प्रेम करता है आपका पढ़ाई लिखाई मैं मुंबई में हुआ। मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई हुई और बहुत ही कठिन परिश्रम से हमारी पढ़ाई हुई हम लोगों को पुस्तकें नहीं थी तो काफ़ी जो नो जो प्रभु के दास लोग हैं उन्होंने मदद की सहायता की कोई पुस्तक देता था कोई यूनिफॉर्म देता था कभी कभी हम लोग लाइन में दूध के लिए खड़ा रहते थे तो इस तरीके से हमारी यह बहुत मुश्किल से दिन गए लेकिन प्रभु हमारे साथ था हाँ मै आपका कॉलेज का दिन और आपका जवानी में कैसे रहे आपको प्रभु से आने प्रभु प्रभु में आने से पहले आपका बचपन या आपका कॉलेज का दिन हाँ जी हम कैसे तो ऐसा हुआ कि बोलते हैं ना कि जब किसी को समर्पित किया जाता है तो हाँ हम लोग का बचपन जो था हम चर्च जाया करते थे ट्रेडिशनल चर्च जाया करते थे लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज की हवा मुझे लग गई और कॉलेज की हवा लगने से थोड़ा सा मैं प्रभु के मार्गों से नो जो फैमिली के वैल्यूज होते हैं फैमिली के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों से मैं थोड़ा सा भटक गया और रॉक म्यूजिक में गया मेरे लंबे लंबे बाल थे यू नो गिटार बजाता था रॉक शो में जाता था और इस तरीके से मैं प्रभु से दूर हटता गया और चर्च तो सिर्फ मेरे लिए एक संडे का एक टिक मार्क जैसा था कि जाना है तो जाना है इसीलिए जाता था लेकिन प्रभु का प्रेम के लिए नहीं जाता था चर्च में जैस लोगों को देखने के लिए जाता था आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ तो इस तरीके से मेरा बचपन हुआ कि शुरुआत तो ठीक थी प्रभु में था यू नो तो चर्च जाया करता था थोड़ा सा इधर उधर और बाद में कॉलेज में पूरी तरीके से मैं भटक गया और इसका परिणाम जो है थोड़े बहुत मेरे पढ़ाई पर भी हुआ लेकिन किसी भी तरह के ढक्का मार के निकल के हम लोग कॉलेज पास हुए तो बहुत ही मतलब शेकी सिचुएशन था कॉलेज में तो इस तरीके से मेरा बचपन गया कॉलेज गई प्रभु आपको कैसा मिला नहीं तो कैसा आप प्रभु में आए हाँ जी ये 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 बहुत अच्छी एक स्टोरी है मेरे जीवन में तो मैं इसे टर्निंग पॉइंट कहूँगा मैं मेरे जीवन में कि आ, जब मैं कॉलेज से कॉलेज में था और कॉलेज के बाहर जब मैं निकला तो मेरे मन में एक ही था कि पैसा ही सब कुछ है हुँ. पैसा है तो सब कुछ है पैसा नहीं तो कुछ जरूरी है और मेरा ये सिद्धांत था कि परमेश्वर वमेश्वर सब बकवास है तो मैंने पूरी तरीके से अपने फेथ को जो भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था जो भी छोटा मोटा जो भी करती थी प्रार्थना वगैरह जो भी थी वो सब छोड़ छाड़ के मैं पूरा दुनिया में घुस गया था और ऐसा हुआ कि प्रभु की दया से मेरी माँ का उद्धार पाया उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया ना ना। और वो एक कलीसिया में अच्छे कलीसिया में जाने लगी से जुड़ी थी पासवान से जुड़ी थी और वो रोज बाइबल पढ़ती थी प्रार्थना करती थी और मेरे लिए उपास पकड़ती थी और हमेशा मैं उससे कहता था कि ये सब बाईबल, बाईबल सब बकवास बकवास है है बाइबल बाइबल और यही कहती थी मुझे उंगली बताकर ऐसे कहती थी कि तू एक दिन प्रभु की तू सेवा करेगा क्योंकि ने मैंने तुझे समर्पित किया है मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जो आप कन्फेस करते हैं अपने बच्चों पर वो उसमें सामर्थ है क्योंकि जीव की शक्ति में नो प्राण है और मृत्यु भी, भी है न तो वो हमेशा कन्फेस करती थी और मेरे माँ को मैं बहुत गाली गलोस करता था नो माँ को धक्का देता था काफी गलत काम किया अपनी माँ के साथ लेकिन मेरी माँ ने कभी मुझे ऐसा गलत शब्द नहीं कहा कर्स नहीं किया गुस्से में भी वो इतना कहती थी कि जो तू कर रहा है गलत है लेकिन तू प्रभु की सेवा एक दिन करेगा और मैंने बाइबल भी फेंका है बहुत कुछ गलत काम किए यू नो तो इस तरीके से मेरी माँ बहुत मेरे दर द्वारा बहुत प्रोसिक्यूशन से गुजरी लेकिन कभी भी उन्होंने यू नो उस उनके परमेश्वर यीशु मसीह में उन्होंने विश्वास अपने बेटी के प्रति उन्होंने नहीं खोया तो ये ये बहुत ही मतलब बताने लायक बात तो नहीं है लेकिन ये सच बात है ये ऐसा ऐसा था तो ये मेरी शुरुआत थी विश्वास में आ, तो आपने कहा कि कैसे मैं विश्वास में आया, आया जी। तो ऐसा ऐसा होता गया मैं दुनिया में और लीन होता गया और पैसे का जो भूत मुझ पर चढ़ा हुआ था और ऐसा हुआ कि आ, मैंने अपने जो भी गिटार बजाने से जो भी पैसे मिलते थे तो मैंने गलत बिजनेस में उसको निवेश किया आप तो जानते हैं आजकल लोग कैसे होते हैं इतना डालो उतना पाओ ये सब गलत है जी जी। तो वो मैं फर्स्ट हैंड मैंने देख लिया तो जित और मैंने लोगों से कर्जा लिया था मेरे दोस्तों से कर्जा लिया सब लोगों से कर्जा लिया क्योंकि मुझे अमीर बनना था क्योंकि बाइबल कहता है जो अमीर जल्द बनना चाहता है वो अपने आप को दुखों के कांटों से उसको उसको ताड़ना होगी तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई और एक दिन ऐसा हुआ कि एक डील था तो वो डील उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना के वो डील मतलब उन्होंने सारे पैसे हड़प लिए तो अभी मैंने लोगों का पैसा लिया हुआ है तो मुझे डर लगा कि अभी मैं पैसे कैसे उनको लौटा दूं तो और मैंने एक निश्चय किया कि अभी एक ही रास्ता है और कुछ नहीं होने वाला है मैं अपनी जान दे दूं मुझे शायद कोई देख रहा होगा शायद आप भी यही परिस्थिति में होंगे शायद लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे इस टेस्टिमिनी को सुनिए शायद आपके उत्तर इस टेस्टिमिनी में छुपे हों और जब मैं उस रात को मैंने निश्चय किया कि चलो अभी मुझे आत्महत्या करनी है तो शराब तो नहीं पीता था मैं लेकिन टिक ट्वेंटी की उस टाइम बॉटल थी तो बॉटल को मैंने नीचे रख दिया बोला छलांग मार के अगर नहीं मरूं तो बेड पे जाऊंगा तो इसीलिए टिक ट्वेंटी अगर वो नहीं काम करेगा तो टिक ट्वेंटी काम करेगी तो मैंने उस टिक ट्वेंटी को रेडी सब किया था और मैं जस्ट बाहर निकला मैं बोला चलो देख लेते हैं आज दुनिया क्योंकि रात को तो हम मरने वाले हैं तो जब मैं बाहर निकला रस्ते पर तो एक लड़का यंग लड़का आया हमारी एरिया का ही था और उसने कहा कि माइकल तुम क्या तुम यीशु मसीह को जानते हो मैंने उसको गाली देके बोला तू क्या मुझे यीशु मसीह के बारे में कोई भी पैदायशी मसीह नहीं होता है वो विश्वास से मसीह होता है अमें, अमें। पै, पैदा हो, किसी कोई भी आदमी पैदा विश्वासी नहीं होता है उसे विश्वास करना जरूरी है तो मैं भी वैसा ही व्यक्ति था तो उसने तो फिर भी मैंने उसकी बात सुनी तो बोलता येशु तुझसे बहुत प्रेम करता है तो मेरे मन में यह सवाल उठा कि यीशु मसीह अगर मुझसे प्रेम करता है इतना तो मैं इस परिस्थिति से क्यों गुजर रहा हूं शायद कोई किसी के मन में यह सवाल हो तो उसने एक चीज कहा कि क्यों ना तू हमारे लिए चर्च में गिटार बजाने के लिए आए तो मैंने एक मेरे मन में एक आवाज़ आई कि चलो आज यीशु तुम्हारे लिए भी मैं लास्ट टाइम गिटार बजाऊंगा बहुत घमंड से भरा हुआ था मरने कता, कि तो, आ, कतार पर तो था लेकिन घमंड से भरा हुआ था तो तो मैंने गिटार उठाया और उस उस कलीसिया में मैं, जब मैं गया तो वहां पे ऐसे बहुत छोटी सी कलीसिया थी और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसीलिए मैं इवेंजलिज्म के प्रति बहुत यू नो बहुत आ, सोचता हूं कि हर एक जो व्यक्ति देख रहा है कि आपको किसी ना तो किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में आपको बताना ही है तो उस दिन वो लड़का मेरे पास आया अचानक आया मेरे पास और बोला ऐसा बोला तो मैं उस जब खलीसिया में गया तो उधर लोगों को कुछ नहीं आता था तो मैं म्यूजिशन था बड़ा बाल बेल लंबे, लंबे लंबे थे तो उस दिन एक गाना मैंने बजाया कम होली स्पिरिट आप पवित्र आत्मा तो बहुत रो कर बजा रहा था उनको लगा कि मुझ पर पवित्र आत्मा उतर रहा है लेकिन मैं पवित्र आत्मा के लिए नहीं रो रहा था मैं सोच रहा था कि मैं आज मैं मरने वाला हूं <laughs> तो जब मैंने वो गाना बजाया तो सब लोग गिरने लगे वहां पर मुझे लगा कि ये लोग क्यों गिर रहे हैं <laughs> और उनको ये लगा कि मैं बहुत अभिषेकित व्यक्ति हूं लेकिन सच बात तो ये थी कि एक मरा हुआ आदमी मरने वाला आदमी गिटार बजा रहा है पूरे दिल से गिटार बजा रहा है तो जब ऐसा हुआ लोग गिरने लगे लोग चीखने लगे तो वहां के पास्टर बोले कि बहुत डिलीवरेंस हो रहा है ऐसा कभी हुआ नहीं वहां पर लेकिन जब ये सब सब हुआ मेरे अंदर एक अनोखी प्रकार की शांति मेरे जीवन में आई मैं सच कहना चाहता हूं कि मैंने स्वरदूत को नहीं देखा मैंने विजन नहीं देखा मैंने कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं किया लेकिन मेरे मन में एक अनोख्यों अनोखी प्रकार की शांति मेरे मन में आई और उस दिन तो मुझे नहीं समझा लेकिन आज समझ सकता हूं कि वो शांति यीशु मसीह थी और मैं सबसे कहना चाहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त एक चीज कहना चाहता हूं आपसे कि शायद आप टूटे हुए हो, शायद बिखरे हुए यीशु मसीह शांति का राजकुमार है आमें, आमें। अगर आप उसे सच्चे दिल से जैसे मैंने एक मरने वाला आदमी रोकर उसे पुकारे तो वो शांति रियल है वो शांति सच्ची शांति है तो मैंने गिटार पैक किया मुझे ही नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे अंदर एक अनोखी प्रकार की शांति खुशी भर गई मैं मैं सोचा अरे मैं मरने वाला हूं और यह क्या हो रहा है मुझे तो सारे जो आत्महत्या के विचार थे वो मेरे मन से निकल गए और मैं घर पे भागा गिटार उन्होंने तो रख लिया क्योंकि वो सोचा कि मैं बहुत अभिषेकित आदमी हूं लेकिन उनको क्या मालूम तो मैं घर पे गया तो सबसे पहले मेरे माँ को मैंने गले लगाया मेरी माँ ने सोचा कि ये दारू पी कर रहा है क्योंकि सिर्फ उसको मैं मारता था ऐसा धक्के दे के मारता था गाली गलोच देता था तो यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण किया जो जो मैंने सबसे पहला मेरा रिश्ता मेरे मां के साथ जो कड़वा था जो सही नहीं था वो संबंध ठीक हो गया Amen. जैसे यीशु मसीह ने उस विधवा नैन की विधवा को अपने बेटे को उसके साथ किया वैसी मेरी स्टोरी थी यीशु मसीह ने Amen, Amen. तो मेरे माँ को गले लगाया और इतने दो तीन साल के बाद मैं पहली बार चैन की नींद सोया तो यीशु मसीह कहता है कि ना कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास तो आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा ये बात सच है तो इस प्रकार से मेरा एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ मुठभेड़ हुई प्रभु से और यीशु मसीह मेरे जीवन में प्रवेश कर दिया उसके बाद मैं आपका फैमिली या सेवकाई बाद में उसके बाद में सेवकाई में सेवकाई में आए क्या हाँ सेविकाई में तो थोड़, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ, मेरा एक चीज मुझे ये हुआ कि जिस कलीसिया में मेरा मुझे टच हुआ तो मैं वहां पर जाने लगा मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह आपके हृदय में आया है तो आप चर्च छोड़े नहीं उस जगह पे जाना बंद मत करो उस जगह से उस मैन ऑफ गॉड उस उस वुमेन ऑफ गॉड या उस पासबान से आप जुड़े रहो तो ये एक पॉइंट मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट था अभी मुझे समझ रहा है मैं क्योंकि मैं खुद पासबान हूं कि मैं वहां पर जाते रहा वहाँ जाते रहा वहाँ पर संगति मैंने नहीं छोड़ी और वहाँ पर जाके मैंने वचन पढ़ना सीखा क्योंकि पहले ट्रेडिशनल खलीसिया में सिर्फ हम लोग वचन पढ़ते नहीं थे सिर्फ सुनते थे और जब मैंने खुद अपना बाइबल खोलने लगा खुद मैंने वचन को समझने लगा इस तरीके से मेरा यू you नो know, मेरा ग्रोथ हुआ इस तो मैं अगर आप मुझे सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे ग्रो होना है आपको तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जिस छोटी कलीसिया हो या बड़ी कलीसिया हो आपको उस जगह से जुड़े रहना चाहिए आमीन आमीन तो मेरा स्लोली स्लोरी ग्रोथ हुआ एसा में लिखा है कि एक लाइन पे लाइन यू नो अध्याय पर अध्याय उस तरीके से मेरा ग्रोथ हुआ प्रार्थना में अभिषेक में वचन में और एक दिन ऐसा हुआ कि जब हम लोग रात के दिन समय पर ऐसे नाइट प्रेयर कर रहे थे सारे नौजवान लोग थे और प्रार्थना और उपवास था हमारा नाइट प्रेयर के हम लोग पूरे दिन काम करते थे सेवकाई का मतलब ये नहीं कि आपने कभी काम नहीं किया हो मैंने काम किया है नौकरी की है मैनेजर था और जब ऐसे ही बैठ के हम लोग गिटार बजा रहे थे और वर्शिप कर रहे थे और रात को नाइट प्रेयर में दो बजे पवित्र आत्मा मुझ पर आग के समान उतरा और मुझे तो पता नहीं कि पवित्र आत्मा कैसे होता है क्या होता है तो मेरा हाथ मेरे पैर मेरा पूरा बदन चल रहा था और मैं रात को दो से साढ़े तीन बजे तक मैं चिल्ला रहा था कि कोई तो कुछ करो क्योंकि मेरा हाथ पैर सब जल रहा है तो वो लोग भी नौजवान लोग थे उन्होंने पानी ला के पानी वानी डाले थे उनका भी दिमाग चलाने की ये पवित्र आत्मा है और मेरी भाषा जो है अन्य भाषा मुझे एक नई भाषा आई जो मैंने कभी बोली नहीं थी तो वहाँ के जो ग्रुप के एल्डर थे उन्होंने कहा कि माइकल को भाषाओं का वरदान अन्य भाषाओं का वरदान मिला है और इस तरीके से मेरी शुरुआत जो है सेवकाई में होने लगी मैं वर्शिप करने लीड करा उस, उसके बाद तो ये मेरा पहला कदम था सेवकाई में और ये सुपर एनकाउंटर के थ्रू मेरे जीवन में शुरू हुआ आपका जो सेवक का मैं पहले दिन आप बोला यूथ के साथ में हम लोग नाइट प्रेयर कर रहे थे हाँ उस टाइम पे कैसा कैसा चलता था आपका सेवक आई आपको अभी प्रभु ने बहुत जगह पे यूज कर रहे है। आपका सेवक आई पहले से ऐसा था कि बाद में प्रभु ने आपको बहुत जगह पे नहीं मैं वो मैं वो उस कलीसिया में जहाँ पर जाता था जहाँ पर मुझे प्रभु ने छुआ था तो उस कलिसिया से मैं जुड़ा हुआ था तो वहाँ पर मैं हमेशा जाता था रविवार को जाता था ज्यादा बड़ी लंबी सभा नहीं होती थी छोटी सी सभा होती थी लेकिन मैं कभी उसे मिस नहीं करता था और उस उस यूथ के साथ उस उस छोटे यूथ पास्टर के साथ जब मैं था तो रात को ये हम लोगों ने इसे ही रखा था तो इस दौरान ये एनकाउंटर हुआ मेरा प्रभु के साथ मुठभेड़ हुई तो इस तरह ये मेरा पहला कदम था और बाद में मैं वर्शिप लीड करने के लिए शुरुआत की मैंने तो ये था आपका फैमिली और आपका बिजनेस अब अपने में के के साथ में बिजनेस बिजनेस सेवा साथ भी करता था हाँ वो मैंने कहा कि वो, वो बिजनेस जो था वो गलत बिजनेस था हाँ पहले पहले जो जो था जो था वो हाँ। सब मुझे छोड़ना पड़ा बाद में अपने काम कम करके यस मैं मैं नौकरी पे लगा अच्छी नौकरी पे लगा मैं तो प्रभु जो है जब हम लोग सब गलत चीज छोड़ के जब प्रभु में आते हैं तो ऐसा नहीं कि प्रभु तुमको तुरंत उठाए के चोटी पर रख देगा यू नो एक स्टेप बाय स्टेप विश्वास में प्रभु लेता है बाइबल कहता है कि जो धर्मी जन विश्वास से जिएंगे, तो तो इस तरीके से मेरे विश्वास की जर्नी विश्वास की जो नो से जो, जो एक यात्रा शुरू हुई मेरी तो ये इस प्रकार से मेरा मेरी जर्नी शुरू हुई और आपका फैमिली सब? हाँ मेरी फैमिली जो थी नो उन्होंने देखा कि जब मैं प्रभु में आया पहला दिन आया तो मेरे बाल मृत सब मैंने काट दिए मेरे मेरी जो जबान थी सब गाली गलोज बंद हुआ तो ये लोग सोचते थे कि इसको हुआ क्या है कोई बीमार तो नहीं है ये तो उन्होंने बाद में लोगों ने मुझसे कहा कि तुझे क्या हुआ है पहले लोग मुझसे डरते थे कि अरे ये पागल आदमी है। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मुझे मेरी निंदा करने लगे मेरे एरिया के लोग यू नो निंदा करने लगे कि ये ये बेवकूफ़ बन गया है ये ऐसा है ऐसा है लेकिन फिर भी मैं उनसे प्रेम करता रहा अपने सताव से मैं डरा नहीं मेरे सब एरिया के लोग जो है बोलते इससे बच के रहना इससे बच के रहना पहला बोलते थे कि ये अच्छा लड़का है जब मैं प्रभु में आया तो लोग कहते थे इससे बच के रहना तो मैं सोचता था कि ये क्या है तो संसार उल्टा है जब तुम प्रभु की प्रभु को स्वीकार करोगे तो ये मत सोचना कि सब लोग हार लेकर आएंगे आपके लिए आपका सताव होगा और उस सताव के बीच में आपको प्रभु के साथ जुड़े रहना है प्रभु के साथ बने रहना है लेकिन खुशखबरी खबरी ये है कि आ, मेरे परिवार के लोग जो थे उन्होंने समझा कि ये सचमुच इसका परिवर्तन हुआ है यू नो ये कुछ मजाक नहीं कर रहा है ये कुछ खेल नहीं खेल रहा है और वो लोग भी मेरे साथ यू नो प्रभु के रास्ते पे चलने लगे आपका फैमिली में भाई छोटे भाई बड़े भाई कैसे कुछ यस मेरे मेरे में मेरे छोटे भाई हैं और मेरी छोटी बहन है मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ हम तीन बच्चे हैं अभी माँ तो प्रभु के पास है मेरे डैडी अभी हैं ओके okay, और अभी शायद वो देखते होंगे इस पर कार्यक्रम को यस yes. बाद में आपका शादी सब यस yes, और इस तो मैं आपसे एक एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि आ, सबसे पहला प्रीचिंग मेरा कैसा हुआ आपने मुझसे सवाल पूछा बार बार पूछ रहा था या तो ऐसा हुआ कि जब तुम छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहते हो आमें, आमें। तो प्रभु आपके लिए बड़े दरवाजे खोलता है कभी अपने आप को नो, प्रमोट मत करो जो मैन ऑफ गॉड जो पासबान के साथ आपको प्रभु ने रखा है उसकी सेवा एक पिता के सामान उसकी सेवा आमें, करो वहां पर जुड़े रहो कोई भी काम छोटा नहीं होता है प्रभु के राज्य में तो मैं सिर्फ गिटार लीड कर रहा था और जो भी काम मुझे करते थे वो मैं खुशी खुशी से करता तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़े प्रचारक आने वाले थे उनका नाम नहीं लूंगा मैं तो हम लोग बहुत खुश थे कि बहुत बड़ा प्रचारक आ रहा है हम लोगों ने ही पास्टर पोस्टर छापे थे वहां पे लिखा था ब्लाइंड विल सी लेम विल वॉक बहुत खुश थे हम लोग पूरा एरिया में जाके हम लोग रात को दो बजे तीन बजे पोस्टर चिटकाते थे तभी यू नो आप जानते हैं तो मैदा का आटा जी लगा जी के जी जी। पोस्टर चिटकाते थे तो हम लोग रात को जाते थे बहुत खुशी का माहौल था दे पंद्रह दिन बीस दिन पहले पोस्टर चिपकाते थे और तीन दिन पहले तीन या चार दिन पहले मुझे ठीक से याद नहीं है एक फोन आता है हमारे पासबान को और वो मैन ऑफ गॉड फोन करके बोलता है कि प्रभु ने उसको बोला है कि वहां पर नहीं जाना प्रभु ने बोला है मत जा वहां पर तू नहीं जाएगा तो वो मैन ऑफ गॉड ने बोला कि मैं नहीं आ सकता हमारे पास्टर ने सब बड़े-बड़े एमएलए -बड़े को सबको सबको बुलाया था वहां से और पोस्टर छप गए हैं उनका नाम सब गया है लोग उनकी राह देख रहे हैं 4 दिन या 5 दिन बाकी थे तो मीटिंग बुलाई चर्च में मीटिंग बुलाई क्योंकि अभी मैन ऑफ गॉड नहीं आ रहे सारे वीआईपी लोगों को बोल दिया है और रस्ते पे रखी थी हम लोगों ने मीटिंग ओपन डोर मीटिंग थी और तो सब कुछ हो गया है तो सब लोग इधर उधर देखने लगे और उन्होंने बोला कि इंग्लिश में बात करना आता है आपको ही आता है क्योंकि अभी सारे वीआईपी होंगे तो माइकल आप ही प्रचार करो अभी <laughs> तो मैं डर गया मैं 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 कांपने लगा क्योंकि प्रचार वचार मुझे नहीं आता था, था। और ऐसा हुआ कि मैं बहुत डर गया सभी लोगों ने वहाँ के जो पास्टर लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं आप इंग्लिश बात करते हैं मैं बोला इंग्लिश से क्या लेना देना है तो ऐसा हुआ कि सब लोग उंगली मुझ पर उठाने लगे वर्षिप लीड करता था तो अभिषेक आता था बोले तुम ही लीड करो तो उस रात को मैं बहुत रोया मैं बोला प्रभु मैं डर गया हूँ मैं किधर भागना चाहता हूँ तो एक व्यक्ति आया और मुझे कहा कि अफ्रीका में एक मैन ऑफ गॉड है वो अभिषेक के लिए तीन तीन दिन उपवास करते हैं तो तू क्यों नहीं जाता ऐसा करता प्रभु तुझे यूज़ करेगा मुझे उपवास भी नहीं आता था क्योंकि ट्रेडिशनल खलीसिया में हम सुबह खाते थे और तीन बजे वापस खाते थे <laughs> तो ऐसा उपवास रहता था उपवास कभी किया नहीं था तो उस दिन तीन दिन मीटिंग के लिए थे तो मैं एक रूम में घुस गया पानी की बोतल लेकर घुस गया गर्म पानी का बोतल लेकर घुस गया और बाइबल था हाथ में तीन दिन के बाद मैं आया कुछ प्रार्थना इतना ज़्यादा नहीं आती थी पूरा बाइबल दो बार पढ़ लिया था और जब मीटिंग के जाने के टाइम मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या बोलूँ क्या प्रचार करूँ तो गॉस्पेल थोड़ा सा मिला मुझे बाइबल सर पर रखा मैं बोला प्रभु यहाँ पर कोई सैम्यल नहीं है और मैं डेविड नहीं हूँ प्रभु मुझे अभिषेकित कर यही वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे जब मैं उस मीटिंग में गया लोग उस बड़े प्रचारक को ढूंढ रहे थे और मैं उस टाइम लड़का था कड़का सा लड़का फास्टिंग वस्टिंग करता था और एक टाई डाल के खड़ा था सब लोग हंस रहे थे मेरा मजाक उड़ा रहे थे और जब हीलिंग सर्विस डिलीवरी का टाइम आया तो मैंने आग बंद करके मुझे प्रभु ने एक वचन दिया था इन द नेम ऑफ जीसस शैतान मैं तुम्हें बांधता हूँ तो मैं जब बोलने लगा वो तो डेढ़ सौ तीन सौ लोग नीचे गिर गए वहां पर और एकदम कुछ होने लगा वहां पर और जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो लोग खुद हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे आमें आमें। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि कि मैं जैसा हूं। <laughs> लेकिन ये बताना चाहता हूं कि प्रभु मूर्खों का भी इस्तेमाल कर सकता है और बड़े शानों को चुप करा सकता है तो कभी आप अपने आप को छोटा मत समझें अगर आप यीशु मसीह के साथ हैं और यीशु मसीह आपके साथ है तो वो सबकी जुबान बंद करेगा और ऐसा ही हुआ उसके बाद मेरी प्रचारक की सेवक आई शुरू हुई थी मैं सच बोलना चाहता हूँ कि मैं दूसरों के मैसेजेस कॉपी करता था उनसे सीखता था और बड़े बड़े दासों से मैसेज सीखना कोई गलत बात नहीं है तो ये मैं खुला कहना चाहता हूँ कोई भी सीख के नहीं आता है, एक दूसरे से हम सीखते हैं इसीलिए ज़रूरी है कि तुम बड़े का आदर करो पासबानों का आदर करो सेवक किंगडम ऑफ गॉड में एक दूसरे से सीखना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से मेरी सेवकाई मैं प्रचार करने लगा और यही से मेरी सेविकाई शुरू हुई वहाँ नहीं, से उसके बाद में आपका शादी बच्चे आप। यस और सेविकाई में जैसे आदमी बढ़ता है तो उनको लगता है कि अभी ये सब ये एंड है लेकिन जरमा 29 उनतीस में ग्यारह में लिखा है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक एक योजना रखता है उसके हमारे लिए उसके प्लान्स हैं और शायद आप सोचते हैं कि आप यू नो आपका सब खत्म हो चुका है लेकिन प्रभु आपके लिए एक योजना रखी है प्रभु आपके लिए बड़े बड़े प्लान हैं और मैं भी ऐसा सोचता था कि बस अभी यही सेवक आई है यही मेरी जिंदगी है तो लेकिन प्रभु ने मुझे कहा था कि एक दिन मैं तुझे तेरा घर बसाऊंगा जो भी मेरा पैसा आता था ज्यादा बड़, बड़ी नौकरी नहीं थी और एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़की मीटिंग में आई तो प्रभु ने मेरे कान में बोला कि ये तेरी होने वाली बीवी है मैंने बाइंड किया मैं बोला ये शैतान मैं तुझे बाइंड करता हूँ <laughs> क्योंकि मुझे शादीवादी नहीं करनी थी मुझे लगा कि दुष्ट आत्मा कुछ बोल रही है लेकिन प्रभु मुझसे बातें कर रहा था तो उस दिन से मैं 40 दिन का मैंने उपवास पकड़ा कह कहेगा प्रभु ये अगर तुझसे है तो मैं कुछ नहीं करूंगा ये सामने से होने दे आमें, आमें। और पास जो आज मेरी पत्नी है पास अनीता उनके फैमिली को मैं जानता था और ऐसे बातें हुई जो यू नो हमारे फैमिली और उनके फैमिली बात करने लगे और लंबी स्टोरी शॉर्ट यू नो तो मैं और मेरी शादी और अनीता जो भी है मेरी पत्नी उनकी शादी हुई हमने बड़ी बहुत बड़ी धूमधाम से शादी नहीं की छोटे में हमारी शादी हुई Amen. तो प्रभु ने मेरा घर जो है यू नो बहुत एकदम कुछ अलौकिक रूप से मेरा घर बांधा तो यदि कोई यूथ विश्वास कर रहा है कि यू नो सोच रहा है कि मेरी शादी होगी कि नहीं तो मैं उसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने आपके लिए एक लाइफ पार्टनर रखा है अगर आप उसके मार्गों पे चलो यू नो तो वो आपके साथ वो मुठभेड़ हो जाएगी और आपका आपकी भी शादी हो जाएगी इस तरीके से मेरी शादी हुई और इस तरीके से हमारा परिवार शुरू हुआ यस yes. कितने बच्चे हैं बस आपको मेरे दो बच्चे हैं बड़ा लड़का है उसका नाम है एरन और है अबिगेल और यू you नो know, और वो आज सेवकाई करते हैं छोटी सी सेवकाई करते हैं मेरी मदद करते हूँ आयरन कीबोर्ड बजाता है आमें, आमें। और अभीगेल गिटार बजाती है दोनों वर्शिप करते हैं और प्रभु की देन है बच्चे प्रभु की देन है तो इन पर भी प्रोफेसी हुई थी कि यू you नो know, प्रभु वो जन्म होने से पहले प्रभु ने हमें बताया था उनके बारे में कि तुम्हें लड़का होगा तुम्हें लड़की होगी और जैसा प्रभु ने कहा था वैसा ही हुआ बस अभी प्रभु आपको अपना भारत छोड़ के बहुत बाहर 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 देश देश में भी आपको यूज कर रहे हैं अभी right. कब से वो आपने प्रीच किया वो जो चर्च का जो छोटा मीटिंग में आपने प्रीच किया उसके बाद में आपको बहुत जगह पे बुलावा आया क्या क्योंकि उस दिन बहुत मत्कार चमत्कार हुए yes. आपका कैसे चालू हो गया अभी अभी हम लोग बहुत टाइम से आपको टीवी में देखते हैं

मुझे समझा कि जो मुझे मिला है उसको मैं मेंटेन करना है मुझे तो इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट यू हैव अटेंड यू मस्ट मेंटेन तो तो मैं अपने रिलेशनशिप को सुबह उठता था प्रार्थना में लगा रहता था, था। प्रार्थना उपवास में लगता था तो वो मेंटेन किया तो मुझे कई क्षेत्र से दरवाजे खुलने लगे Amen. तो जब वो दरवाजे खुलने लगे तो मैं एक महान प्रभु के दास से उन्होंने कहा कि जब भी कोई आपको इनवाइट करे या कुछ करे तो प्रार्थना करो कि ये प्रभु से है कि नहीं तो ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ तो मैंने मैं हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु अगर ये इन्विटेशन तुझसे है तो सब कुछ ठीक होने दे नहीं तो ये हटा दे और जब मैं वो इन्विटेशन स्वीकार करता था प्रभु वहाँ पर बड़े बड़े कार्य करता था और एक दरवाज़ा दूसरे दरवाज़ा को खोलता था दूसरा दरवाज़ा तीसरा दरवाजे को खोलता था इस तरीके से प्रभु ने मुझे पूरे भारत में और कई देशों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लेकिन फाउंडेशन था कि मैंने अपने रिलेशनशिप को प्रभु के साथ मेंटेन करने का सोचा और और कभी मैंने दरवाजे खोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो दरवाजा मैं खोलता हूँ कोई उसे बंद नहीं कर सकता है।, है तो ये मेरी गवाही है ये ये कि दरवाजे प्रभु खोलता है आमें, आमें। मैं, आमें। मैं आपको बहुत मीटिंग में देखा हूँ क्योंकि हर एक जगह पे बहुत बहुत लोग कह के चंगाई पाते हैं चुटकार पाते हैं बड़ा बड़ा टेस्ट में और सब आपका अभी फैमिली साथ में जाती है आप साथ में फैमिली लेके जाते हैं आपका टीम ऐसा कुछ ऐसा जाके हम तुम लोग सेवा कार्य करते हो बस सर यस yes, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमेशा एक व्यक्ति ने हर एक मैन ऑफ गॉड ने एक एक आपके साथ एक टीम रहना ज़रूरी है क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा तो उसने चेलों को अकेला नहीं भेजा तो दो दो कर कर गए तो दो होता है छोटी सी टीम तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ मोस्ट मोस्ट ऑफ द जगह मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जाती लेकिन मेरी टीम हमेशा मेरे साथ जाती है और मैं भी सब लोगों से कहता हूँ कि अकेले कहीं पर मत जाओ एक टीम के साथ जाओ प्रार्थना पूर्वक जाओ प्रेपरेशन के साथ जाओ और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा तो इस तरीके से इस सिद्धांत है कि मैं अकेला कभी नहीं जाता हूँ अपनी टीम के साथ पूर्वक, उपवास पूर्वक

तो कई जगहों में कलिसिया है तो हम लोग ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करते नहीं नहीं। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या? बहुत बड़ा सब तुम लोग आपका टीवी मिनिस्ट्री भी है वो हाँ सब कैसे चल रहे टीवी मिनिस्ट्री प्रभु की दया से सही चल रहा है हमारी टीवी मिनिस्ट्री शुरू होने का एक एक बहुत ही अनोखा कारण था तो प्रभु ने मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं मीडिया में था पहले एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में था तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु कैसे सुसमाचार को हम फैला सकते हैं तो प्रभु ने मुझे विजन दिया कि यू नो टीवी मिनिस्ट्री पे तो तब इंटरनेट तो था नहीं टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा तुम सुसमाचार को आप फैला सकते हो तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे कंप्लीट यू नो कैसे कैसे टीवी मिनिस्ट्री करो तो उस टाइम मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे एक निशानी दे कि तू कुछ करेगा मैंने लोगों से कहा था कि हम टी वी मिनिस्ट्री शुरू करना चाहते हैं लोग ने लोगों ने यहाँ से सुना और यहाँ से छोड़ दिया तो लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं तुझे एक साइन दूंगा तो एक विधवा आई और विधवा ने उसको विधवा ने मेरे हाथ में कवर रख दिया तो उसने बोला कि प्रभु ने मुझे पाँच हज़ार का बोनस दिया है मेरे मालिक ने और कल मुझे दर्शन आया रात को विजन आया ड्रीम आया कि ये पाँच हजार कहा है कि टेलीविजन मिनिस्ट्री में पास्टर माइकल को तू दे तो हमारी टेलीविजन मिनिस्ट्री एक विधवा के बीज से शुरू हुई थी और इस तरीके से वो फैल गई तो अब तो कोई भी बीज जो है छोटा नहीं होता है आप आश्रय टीवी देख रहे हैं क्योंकि कि किसी ने उसमें बीज बोया है कोई भी कोई फल नहीं लगता जब तक कोई आदमी बीज नहीं बोता है तो उसी तरीके से शायद प्रभु आपसे बात करें कि इस इस चैनल पर आप कुछ भेजें इस वक्त डिटेल्स होंगे स्क्रीन पर मुझे पता नहीं। लेकिन प्रभु शायद आपसे बात कर रहा है उस विधवा को परमेश्वर ने अभी इतना ब्लेस किया है, ब्लेस किया किया है आप यकीन नहीं मान सकते आज भी हमारी सेविकाई में आती है शायद वो देख रहे है इस कार्यक्रम को और उसको बहुत बहुत ब्लेस किया है प्रभु ने आपका हाँ जी कैसा आप संभलते क्योंकि आपका साथ में वो खंदा देने वाला आपने बोला साथ तो कोई भी सपोर्ट जो है सबसे पहला जो है प्रार्थना पूर्वक सपोर्ट जरूरी है क्योंकि जब मूसा ने अपने दोनों हाथों को उठाया एक्सोडस में लिखा निर्गमन में लिखा है कि उसके हाथों को आरन और खुर ने उठाया मोजेज माइटी मैन ऑफ गॉड था लेकिन फिर भी उसको आरन और हु की ज़रूरत थी तो फर्स्ट चीज़ जो है कि नो मैं सोचता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी मैन ऑफ गॉड को चाहे मुझे या कोई भी मैन ऑफ गॉड को तो उसके लिए पहला उसके परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है दूसरा होता है उसके सेवा में योगदान और योगदान पैसों के द्वारा किया जा सकता है तो लोग कुछ कुछ लोग लोगों ने सपोर्ट किया और अभी भी करते हैं यू you नो know, अमीर लोग कभी कुछ नहीं करते जो सादे लोग होते हैं वो अपने ही रोटी को खुद आधी रोटी रखते हैं दूसरी रोटी प्रभु को देते हैं और ऐसे लोगों को प्रभु यू you नो know, जरूर आपको आशीषित करें यू नो you know, अमीर आदमी अपने करें अगर शायद आप देख रहे हो तो कुछ दे सकते हो आश्रय टीवी के लिए लेकिन पास साहब ये जो सत्य घटना है कि और फिर बाद में तीसरा होता है कि वॉल्टियरिंग तो ऐसे वॉलंटियर प्रभु ने किसी के दिल को छुआ कि चलो मैं आके कुछ काम करूँ और इस तरीके से मैंने एक टीम को डेवलप किया आमें, आमें। और टीम के द्वारा जो है प्रभु सब काम कर रहे हैं मैं हमेशा कहता हूं कि यू नो सारा गौरव महिमा आदर मैं प्रभु को देता हूं और क्रेडिट टीम को भी देता हूं तो टीम जरूरी है यू नो थैंक यू सर आज दर्शक लोग देख रहे हैं yes. बहुत चंद कुछ रहेगा बड़ा सेवक अपना साथ में अभी लाइव में हम लोग देख रहे हैं कुछ सुनने के लिए वो लोग तैयार है क्योंकि आजकल हर एक मुश्किल के बीच में जो सेवक आई दो या हर एक फैमिली में प्रॉब्लम है लेकिन उसमें छुटकारा पाने के लिए बहुत जन ट्राई करते हैं yes. यस सेवक में कुछ उन्नति नहीं हो रही है आ, वो लोग के लिए कुछ क्या बात करने चाहते हैं पास या जो लोग सेवकाई कर रहे हैं उनके उनके लिए मुझे एक वर्ड है कि जो भी एक शिष्य होता है उससे एक टीचर या गुरु की जरूरत होती है जी जी हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु यीशु मसीह है आमें, आमें। वो तो है ही है लेकिन प्रभु ने फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री एफिशियस में लिखा है कि फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री पॉस प्रॉफेट पास्टर इवेंजलिस्ट टीचर यू नो ये फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री जो पांच सेव, रूपी सेवक आई है उसको उससे आप जुड़े रहें आप कोई भी अगर आप यंग पास्टर हो यंग लीडर हो तो आपके ऊपर एक अगुवा होना जरूरी है तो फर्स्ट थिंग किसी के साथ अकाउंटेबल हो जाओ किसी मैन ऑफ गॉड के साथ संगति करो उससे तुम सीख सकते हो बाइबल कहता है आयन शापन आयन लोहा लोहे को शापन करता है तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि आप किसी के साथ जुड़े रहना चाहिए और और सबसे दूसरी बात है कि आपको जो है यू नो यू नो, नो इधर उधर भागना नहीं है किसी के साथ कंपटीशन में आप नहीं हो हर एक की सेवकाई अलग होती है हम लोग जेरोक्स कॉपी नहीं है हर एक यू नो कलर अलग होता है हर एक अलग सेवकाई होती है अपने कॉलिंग को आप फुलफिल करो Amen. उस तरीके से आपकी कॉलिंग फुलफिल हो जाएगी अरे को आशा, वो वो yes. आशा रहती है yes. लेकिन आपका जो सेवक बहुत जगह पे चल रहे थे प्रभु ने आपको बहुत यूज कर रहे हैं उसका सीक्रेट आप बता सकते बता सकते क्योंकि उसका पीछे और उसका वजह क्या है यस आई जस्ट शेयर जस्ट नाउ अभी मैंने शेयर किया कि यू नो मैंने कहा कि मैं लोगों से जुड़ा रहता हूं तो आज मैं आश्रय टी वी पे मैं मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ और ये सच है कि मैं जब पास्टर सुनील साहब के बारे में जब मैंने सुना था उनके बारे में तो मैं हमेशा ऐसे मैन ऑफ गॉड के यू नो खोज में रहता हूँ कि किससे में सीखू नो और ये जो मैन ऑफ गॉड पास्टर सुनील डिसोजा जी हैं प्रभु ने इनको ऐसे जगह से निकाला है कहा से निकाला और प्रभु इनके द्वारा आज देखो क्या क्या कर रहा है अनेक देशों में प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है हर एक लोगों से जुड़े तो मैं मैंगलोर में इसलिए आया था कि इनसे मैं जुड़ू इनसे मैं कुछ सीखू और इनसे मैं इंपॉर्टेशन लू तो प्रभु के राज्य में ये ये सीक्रेट है और ये सीक्रेट आपको भी जानना जरूरी है कि प्रभु के राज्य में हमको सब की जरूरत है कोई भी परिपूर्ण नहीं है सिर्फ यीशु परिपूर्ण है तो एक दूसरे से जब हम सीखते हैं एक दूसरे से जब हम सीखना चाहते हैं और उस, उनके अंदर क्या अच्छाई खूबियां हैं तो हम उसे ग्रहण करते हैं उसी तरीके से वो सेवकाई बढ़ती है हम अगर दोष लगाने लगेंगे तो मुझे एक चीज बताओ कि सेवकाई में कौन सिद्ध है कौन सा चर्च परफेक्ट चर्च है क्योंकि कोई चर्च परफेक्ट नहीं है कोई मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड परफेक्ट नहीं सिवाय यीशु मसीह के लिए इसीलिए हमको प्रभु यीशु का अनुग्रह चाहिए बाइबल कहता है हम लोग सिद्ध बनाए जा रहे हैं हम सिद्ध नहीं है वी आर बींग परफेक्टेड तो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हमको एक दूसरे के साथ संगति में रहना है और एक दूसरे के साथ सीखते रहना है एंड कोर्स प्रेयर इज द फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग तो ये सीक्रेट अगर आप ये दो चीजों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं यू आर इग्नोरिंग दिस थिंग्स तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं

मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ सभी लोग जो देख रहे हैं इस वक्त पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरी नजर हर एक पर है इस वक्त तेरी नजर से कोई कुछ छुपा नहीं है प्रभु यशु प्रभु तेरे हाथों को तेरे तेरे छिदे हुए हाथों को प्रभु येसु उन पर रखते इस वक्त हालेलुया प्रभु जो गिरे हुए हैं प्रभु यीशु तू उनको उठा प्रभु यीशु जो दबे हुए हैं प्रभु उनके सरों को तू तू ऊंचा कर प्रभु यीशु जो लोग बीमारी में हैं प्रभु यीशु वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से जा इस वक्त हालेलुया प्रार्थना करे मेरे साथ हालेलुया जो भी इस वक्त बंधन में है हालेलुया जो प्रभु ने मुझे छुड़ाया वही प्रभु तुम्हारे बीच में अभी खड़ा है हालेलुया उसको पुकारे इस वक्त हर एक शैतानी बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु तू हमारे प्रार्थना से बढ़कर हमारे मांगने से बढ़कर हमारी सोच से बढ़कर तू कार्य कर रहा है धन्यवाद प्रभु यीशु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आशीषित करता हूँ सुन और कबूल करो और कहो आमेन अगर इस यू you नो know, हमारी गवाही ने आपको छुआ है तो प्लीज आप यू you नो know, आपकी टेस्ट जो है इस डिटेल्स पर भेजिएगा क्योंकि आपकी गवाही जो है किसी को प्रेरित करेगी किसी Amen. को ब्लेस करेगी गॉड गॉड ब्लेस ब्लेस यू 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 थैंक थैंक सो मच देखने वाले हर एक दर्शकों को प्रभु के नाम से आपको वंदन करते हैं हम लोग फिर एक बार और एक सेवक आया प्रचारक के साथ में फिर एक बार हम लोग आसन टीवी में मिलेंगे तब तक नमस्कार